कि मैं कहूँ आप मुसलमान हैं, आप इंडिया में अपनी इबादत नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, पाकिस्तान में सब कुछ है, वो कहते हैं हम इंडिया में सब कुछ कर सकते हैं, इंडिया आज सबसे ऊपर है, एशिया में देख लें इंडिया सबसे ऊपर है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, दुबई के बाद ग्रीस और फ्रांस ने भी पाकिस्तानियों को बैन करना शुरू कर दिया है, और अगर पाकिस्तानी ने गलत कामों को बंद नहीं किया तो सारे अमीर देश पाकिस्तानियों को बैन कर देंगे। दोस्तों, आप देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया ग्रीस और फ्रांस में पाकिस्तानियों को बैन करने पर क्या कह रही है। वजह सबसे पहले तो हमारे खुद की हरकतें, हमारा खुद के काम। अब पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो ऑलरेडी 103 नंबर पे है, अगर आपने थोड़ा बहुत स्टडी करें तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। लोग जो हैं इधर जाते हैं डंकियाँ लगा के जाते हैं, हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जब आपकी क्रेडिबिलिटी, आप पाकिस्तान में भी अपनी क्रेडिबिलिटी उस लेवल पर नहीं है, आपके आपका काम में 2 नंबर ही हैं, वहाँ पर भी आप जब जॉब अगर लेट्स सपोज करते हैं तो आपको जॉब क्या करेंगे, ये आप कोई ना कोई नीच लेवल की जॉब देंगे, वो बड़ी मुश्किल से। यूके में मेरे काफ़ी दोस्त हैं, अब ये मेरे कज़न्स हैं, तो हमें पता लगता है कि जो कोई 3-3 शिफ्टें कर रहे हैं, डबल डबल शिफ्ट हो रही है, यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर ये मसला है। पहले तो जो इधर यूनिवर्सिटी ही नहीं मिलती है पाकिस्तानियों को, यूनिवर्सिटी ही नहीं मिलती है पाकिस्तानियों को। हाँ जी, कि हमें अपने इसने मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, तो अब इसको ये आधे घंटे पहले अप्लाई कर रहा था, फिनलैंड में अप्लाई कर रहा था। अच्छा, मैं ना अप्लाई कर रहा था फिनलैंड में, मैंने और भी किया इटली वगैरह में, यूनिवर्सिटी के लिए। जी जी, यूनिवर्सिटी इटली में तो मेरा ना स्कॉलरशिप भी मुझे मिली हुई है, लेकिन क्या है कि इधर एम्बेसी वाले, एम्बेसी जो है ना वो मतलब ठीक काम नहीं करी। होता ये है कि यहाँ से जो डंकी मार के जाते हैं ना इटली, तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानियों की होती है, तो इसलिए पाकिस्तानियों का जो करेक्टर है ना उधर मतलब ठीक समझा नहीं जाता, तो उनको उसी लिहाज से ट्रीट भी किया जाता है, लाइक हमें वीज़ाज वगैरह मिलते ही नहीं है, मुझे तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली, तो इस चक्कर में मेरा एक साल भी गया, ठीक है, लेकिन मैं खैर है इस चीज़ का, लेकिन हमें भुगतना पड़ती है। एबिलिटी अच्छी नहीं है, मेन मसला कि हम लोग खुद ही नहीं ठीक है, हम अपना काम ठीक करें, हमारी एम्बेसी से अच्छा काम करें, हमारे लोग वहाँ पे भी जो भी जा रहे हैं, जो भी लड़के जा रहे हैं वहाँ पे जाके 2 नंबरियाँ ना करें, ठीक है। अब अक्सर आपने सुना होगा लोग वहाँ पे जाके मांगते भी हैं, भीख मांगते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या कह लो पाकिस्तानी लड़के वहाँ पे जाके मांगते भी हैं, ये भी न्यूज़ हैं, तो फिर हमारा क्या इज्जत रहेगी। और हमारे फिर पासपोर्ट अब आप 103 नंबर पे है जैसे आपको मैंने बताया, तो इन्हीं हरकतों की वजह से हम जो 103 नंबर पे हैं वो भी नीचे जाएंगे, तो बेहतर यही है कि जो लड़का वो पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते हैं वो उनके एक अलग से लाइन बनवा देते हैं ऐसा आपने नोटिस किया? हाँ, इधर उधर क्या, उधर तो अलग ही बात है, इधर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को बहुत जलील किया जाता है, जैसे हम अक्लियतों की तरह नहीं इधर ट्रीट किया जाता किसी, माइनॉरिटीज की तरह। अच्छा, नेगेटिव देन माइनॉरिटी आपको ट्रीट किया जाएगा अगर आप वहाँ पर जाते हैं, तो बेहतर यही है कि पाकिस्तानी पहले इधर अच्छा काम कर लें, उसके बाद वहाँ पर आप जाएंगे तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन पहले आप बेहतर अपने आप को इधर बेहतर करें। पहले ना करेक्टर ठीक होना चाहिए सबका, मतलब उनको मॉरल वैल्यूज़ का पहले पता होना चाहिए, ठीक है, तो उसके बाद ही आपने काम में और अपने फील्ड में आपने अच्छा करना है और फिर आपकी प्रोग्रेस होगी, ठीक है। अगर आपका करेक्टर ही अच्छा नहीं है तो आप, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अदर पीपल विल ट्रीट अस बेटर। फ्रांस और ग्रीस की तो उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई है, उनका कहना है कि पाकिस्तानियों का बायकॉट वर्क वीजा अब हम नहीं देंगे, उस मुकाबले में इंडियंस को 1 लाख से ज्यादा वो वीजा दे रहे हैं ग्रीस और फ्रांस वाले। क्या समझते हैं, हर मुल्क उठ के बायकॉट पाकिस्तानी करता है क्यों? बेसिकली मैं खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ और मोबाइल का काम करता हूँ, और पाकिस्तान का 24 सिटीज को इस टाइम दुबई ने भी बैन कर दिया हुआ है। वजह यह है कि लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे आके मांगते हैं, वहाँ पे आके लोगों को उस उनकी वजह से जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरह हम लोग हैं, हम लोगों को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सिर्फ क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी बढ़ जाके मांगते हैं, पाकिस्तानी वहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट में आते हैं? अब तो इस्लामिक कंट्रीज ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई पाकिस्तानियों बस करो अपने कंट्री में रहो। देखिए, पूरी दुनिया में अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन पाकिस्तानी को ये है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं इनकी वजह से जो है ना हमारा पूरी कंट्रीज में जो वकार है वो खराब हो गया है। पाकिस्तानी हर जगह लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को ये है कि उनको भी चाहिए कि आए वहाँ पे आके काम करें, ना कि लोगों से मांगे, जिसकी वजह से जो है ना सब लोगों को जो है ना मुश्किलात का सामना कर। इंडियंस हमसे ज्यादा इस टाइम दुबई में है, क्या सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसिकली इस टाइम इंडिया एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, सऊदी एक इस्लामिक कंट्री है। सऊदी अरब ने रिसेंटली 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में की है, वो पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से उनको पता है यहाँ पे जो भी पैसा आएगा वो यहीं पे रह जाएगा, वापस ही नहीं जा पाएगा। एमबीएस ने 3 चक्कर पोस्टपोन किए पाकिस्तान के, और G20 में 2 दिन एक्स्ट्रा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह आप सही कह रहे हैं ना, के झुकाव जो हमारे मिडिल ईस्ट है वो भी इंडिया की जानिब का रहा है। अब
हमें नहीं, मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम रिलीजन का कोई फैक्टर अब रह गया है। इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया नजर आता है सबको, चाहे वो छोटा मुल्क हो बड़ा मुल्क हो। क्या आप समझते हैं हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं या इंडियंस का मुकाबला कर सकते हैं? देखिए बेसिकली हम इंडिया पाकिस्तान है तो एक ही ना, एक ही लहदा लहदा हुए हैं, लेकिन इंडिया आज हमसे ऊपर चला गया। अगर आप बेसिकली देखें, हम जो मर्जी कहते रहे इंडिया ये है इंडिया वो है, लेकिन बेसिकली आज इंडिया हमसे इकोनॉमिकली हर लिहाज से आईटी से सबसे वो ऊपर चला गया। हम वहीं के वहीं रह गए हैं, इंडिया हमसे ऊपर चला गया। दुबई में इंडियंस क्या ऑलमोस्ट काम करते हैं, मतलब बड़े बड़े पोस्ट पे या नॉर्मल? नहीं नहीं दुबई में क्या, मैं सऊदीया में भी रहा हूँ 7-8 साल। सऊदीया की सबसे बड़ी एक कंपनी अल्फनार, उसके जो सीईओ है ना वो तक इंडियन है और वो हिंदू है। आप ये देख रहे हैं क्या इंडियंस में हिंदू होते हैं कि मुस्लिम्स भी होते हैं? मुस्लिम्स भी हैं, लेकिन वो मुस्लिम्स भी जो इंडियंस हैं वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान से इंडिया अच्छा है, हम अच्छा है कि पाकिस्तान में नहीं आए। कितने शर्म की बात है ना कि भाई हम उनसे निकले और आज हमारे ही, हम जिनको भाई 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 कहते रहते हैं वो कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं लगते। बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ ये लम्हा फिक्री है, वो कोई भी पार्टी हो उनको चाहिए कि कोई भी आए पाकिस्तान के लिए काम करे, पाकिस्तान की आवाम के लिए थोड़ी रिलीफ करे, थोड़ी महंगाई कम हो, ताकि ये आवाम दुनिया में जाके ये दो नंबरी है ये मांगना ये बंद करे। सही बात है। कभी इंडियन से इंटरेक्शन हुआ, लाइक दोस्ती वगैरह? हाँ मेरे काफी इंडियंस दोस्त हैं, लेकिन मैं उनको अभी बायकॉट कभी भी कहूँ अगर कि मैं कहूँ आप मुसलमान हैं आप इंडिया में अपनी इबादत नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, पाकिस्तान में सब कुछ है, वो कहते हैं हम इंडिया में सब कुछ कर सकते हैं, इंडिया आज सबसे ऊपर है, एशिया में देख लें इंडिया सबसे ऊपर है, सारे इस्लामिक कंट्री के साथ भी उसके मामला सबसे अच्छा। दोस्तों पाकिस्तानियों के गलत कामों की वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम हो चुका है और अब सारे अमीर देश पाकिस्तानियों को बैन कर रहे हैं।